तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका भाई ऑलराउंडर मुन्ना आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि आपका न्यू वैकेंसी कब आने वाली है। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे और सही जानकारी मिले। जैसे कि मैं सही जानकारी हर वीडियो में दे रहा हूं, उसी प्रकार आप लोग का हर डाउट आपका क्लियर करूंगा। रनिंग से लेकर एग्जाम से लेकर मेडिकल से लेकर एनी टाइम कोई भी बिहार पुलिस का नई वैकेंसी हो या कुछ भी, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूँगा न्यू वैकेंसी के बारे में कि न्यू वैकेंसी कब आएगा। ठीक है दोस्त, तो आइए मैं बात करूँगा न्यू वैकेंसी के बारे में। काफ़ी मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं कि भैया न्यू वैकेंसी कब आएगा। तो मैं थोड़ा अपना परिचय बता दूँ, मैं भी आप लोग का जैसा इंसान हूँ, मैं कोई बड़ा इंसान हूँ नहीं, और काफ़ी मेहनत के बाद आज मैं यह मुकाम हासिल किया हूँ, जो काफ़ी मैं मेहनत के बाद किया हूँ। कई बार मैं छठा मेडिकल में मेरिट में कभी एक नंबर से दो नंबर से छटते जा रहा हूँ, लेकिन आज यह जीत मेरा जीत आज पूरा हो गया। काफ़ी मैं छटा हूँ, मैं हार नहीं मना, पर इंसान में नहीं हूँ क्यों हार मान जा रहे मेरे भाई। एक ही बहाली अटेंड करते हैं, दो बहाली अटेंड करते हैं छट जाते हैं, तो आप लोग हार मान के थक जाते हैं। यदि वर्दी की चाहत है तो हार नहीं मानना मेरे भाई, गिरता वही है जो जीतता है, गिरता वही है जो सफल होता है मेरे भाई। गिरिएगा तब ही ठेस लगता है, तब संभलिएगा। तो इसलिए मेरे भाई आप टेंशन नहीं लीजिए। न्यू वैकेंसी के बारे में आइए मैं बात करता हूँ, उससे पहले मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ आप लोग को। जब फंस जाइबा सोलह सिंगारवा में तो सोलह सौ मीटरवा फान ना पइबा, जब फंस जाइबा सोलह सिंगरवा में तो सोलह सौ मीटरवा फान ना पइबा। ए बाबू देवा किस्मतिया के धोखा, ए बाबू तू देवा किस्मतिया के धोखा, ही वर्दी में गर्मी का होला तू जान ना पइबा। तो इसलिए मेरे भाई ये वर्दी की चाहत मुझे बहुत ज़्यादा थी, क्यों ना मैं होम गार्ड बनूँ, लेकिन मुझे चाहत थी, लेकिन मैं आर्मी में काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मेडिकल मेरिट में बाहर हुआ। लास्ट मेरे बहाली निकाल कर रद्द हो गया, फिर भी मैं हार नहीं माना। आज मैं बिहार पुलिस में आपका चमकता हुआ सितारा देख रहा हूँ। तो मैं आपसे शुभकामनाएँ करता हूँ, माता रानी से दुआ करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह कदम आपका सफल हो, आपका जो मन की सोच है वो सफल हो। आप लोग हार नहीं माने, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। लुसेंट का बुक आता है मेरे भाई, वो पढ़िए। स्पार्क का प्रेस्टीज सेट आता है, एरिहंत का, रुकमणि का, आप लोग सेट बनाइए। और न्यू वैकेंसी के बारे में आप लोग बार बार कह रहे हैं, तो न्यू वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, लगभग 10,000 के करीब में न्यू वैकेंसी आएगा मेरे भाई। अभी इस मंथ में अक्टूबर में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है नवंबर में आ जाए। नवंबर में आना ही आना है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है मेरे भाई, और काफ़ी बहाली देना है बिहार पुलिस SI और फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, मद निषेध, जेल पुलिस का भी आने वाला है मेरे भाई। बहुत बिजोड़ जॉब है जेल पुलिस, और आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मात्र एक महीना, और पढ़ाई जोर शोर से लगा दीजिए आप लोग। और आप लोग जानते ही हैं बिहार में क्या होता है मेरे भाई, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं मेरे भाई। तो इसलिए मेरे भाई ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, जो होगा आगे देखा जाएगा। ठीक है, न्यू बहाली बहुत जल्द आने वाली है, एक मंथ खेप जाइए और उसके बाद न्यू बहाली आपको देखने के लगभग 10,000 करीब मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।